अग्निहोत्री एक भारतीय फिल्म निर्देशक, स्क्रीन राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, लेखक और एक्टिविस्ट है। विवेक हिंदी सिनेमा के उन चंद फिल्म निर्देशकों में से एक हैं जो अलग शैली की फिल्में बनाते हैं। विवेक की फिल्में मुख्य सिनेमा की फिल्मों से हटकर होती हैं, चाहे वो इरोटिक, थ्रिलर, स्पोर्ट्स हो या फिर पॉलिटिकल ड्रामा हो। विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्मों को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। विवेक अग्निहोत्री 2019 से भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सदस्य हैं और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन में भारतीय सिनेमा के सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी हैं। विवेक अग्निहोत्री 2019 की अपनी थ्रिलर फिल्म द ताश्कंद फाइल में डायलॉग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। विवेक और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी आई एम बुद्धा नाम का एक एनजीओ भी चलाते हैं। विवेक अर्नब नक्सल नाम की किताब के लेखक भी हैं, जो बेस्ट सेलर किताब है। विवेक अग्निहोत्री का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में 21 दिसंबर 1973 को हुआ था। विवेक के पिता प्रभुदयाल अग्निहोत्री संस्कृत की बहुत बड़े ज्ञाता रह चुके हैं और इन्होंने कई किताबों का अनुवाद भी किया है। विवेक अग्निहोत्री ने भोपाल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशल साइंस से अपना ग्रेजुएशन किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई की है। विवेक अग्निहोत्री ने हार्वर्ड एक्सटेंशन स्कूल से सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल स्टडीज में मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्मी लाइन में आने से पहले अपने कैरियर की शुरुआत विज्ञापनों से की। 1994 से ही विवेक डायरेक्शन और प्रोडक्शन के क्षेत्र में आ गए, जहां उन्होंने कई टीवी सीरियल को डायरेक्ट किया। इनके काम को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड फिल्मों में डायरेक्शन का डेब्यू 2005 में किया, जब उन्होंने 2005 की फिल्म चॉकलेट को डायरेक्ट किया, जो हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट की रिमेक थी। 2007 में विवेक अग्निहोत्री ने फुटबॉल आधारित फिल्म धन धनाधन गोल को डायरेक्ट किया। विवेक हेट स्टोरी जैसे इरोटिक फिल्म को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। विवेक अपनी बिल्कुल अलग शैली की फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसमें विवेक की बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जिद, द ताश्कंद फाइल जैसे थ्रिलर फिल्में शामिल हैं। द ताश्कंद फाइल के लिए विवेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। विवेक की नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसमें उन्होंने कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को उजागर किया, ये फिल्म विवेक के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म रही। द ताश्कंद फाइल ने रिलीज होने के बाद ऐसा इतिहास बनाया जिसके शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक रही। इस फिल्म को रिलीज करने में विवेक अग्निहोत्री को काफ़ी परेशानियां आ रही थी। ये फिल्म केवल चंद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इस फिल्म की इतनी डिमांड बढ़ गई कि इसे सिनेमाघर मिलने मुश्किल हो गए। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के बाद 1984 के सिख दंगों के ऊपर भी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। हालांकि ये फिल्म पूर्ण रूप से सिख दंगों पर आधारित नहीं होगी, लेकिन ये दंगे उसका एक भाग होंगे। इसकी जानकारी स्वयं विवेक अग्निहोत्री ने दी है।